नमस्कार, आपका मेरे चैनल मनीष गुप्ता की किचन में स्वागत है। आज मैं आपको वेजिटेबल कोल स्लो सैंडविच सिखाऊंगा। कोल स्लो एक तरह की सैलड है जो कि नीदरलैंड से आई है, तो इसमें मेयोनेज को मैंने केचप के साथ मिक्स किया है। आइए चले किचन में वेजिटेबल कोल्सलो सैंडविच बनाने के लिए। कोल्सलो सैंडविच बनाने के लिए कैबेज चाहिए और कैबेज को हम श्रेडिंग कर लेंगे। इस तरह हम काट लेंगे कैबेज। इसको हम एक बॉल में डाल देंगे। हमने कैबेज काट ली है, श्रेड कर लिया है। अब इसके बाद हम कैरेट को जूलिंग करेंगे। साइड्स के दोनों एंड से निकाल लिए हैं। इसके बाद इसको बेस करने के लिए हम इसको काट लेंगे। अब हमारी ये कैरेट टिक जाएगी। अब क्या करेंगे, हम चारों तरफ से बराबर बराबर इसको काट लेंगे। अब देखिए बिल्कुल चारों तरफ से बराबर आ गई है। अब हम इसकी जूलिंग के लिए इसको ब्रिक ब्रिक काट लेंगे। और इसके बाद हम इसको जूलिंग कर लेंगे। इस तरह हम सारी कैरेट को जूलिन कर लेंगे। तीसरी सब्जी जाएगी कैप्सिकम। कैप्सिकम की भी हम जूलिन निकाल लेंगे। हम इसको एक एक करके इसके जूलिन कर लेंगे। ब्रिक ब्रिक इसके हमने जूलियन निकाल लिए। कोल स्लो में अनियन नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं, मैं डाल रहा हूं। इसके लिए भी हम इसको ब्रिक एक स्लाइस कर लेंगे। और इसको भी हम तीनों सब्जियों के साथ मिक्स कर। मैंने कैबेज को जूलिन कर लिया है, कैरेट का भी जूलिन कर लिया है, कैप्सिकम का जूलिन कर लिया है और प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्रंचीनेस बना रहे इसके लिए इसमें मैं डालूंगा विनेगर। साथ में डालूंगा मैं नमक। और इसको मैं अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और 10 मिनट बाद ये इसका पानी अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम किसी कपड़े में निचोड़ेंगे। उसके बाद ये हमारी वेजिटेबल तैयार हो जाएगी सैंडविच के लिए। इसमें 10 मिनट पहले मैंने नमक डाला था और विनेगर डाला था। नमक से क्या है कि सारी सब्जियां ये पानी छोड़ देंगी। अब इसको मैं सब्जियों को निचोड़ लूँगा, अच्छी तरह से कपड़े में डाल के निचोड़ूंगा और उसके बाद ये
वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी सैंडविच में जाने के लिए। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, एक्चुअली ये डस्टर है, आप मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हो जिसके अंदर इन सब्जियों को निचोड़ना है। कपड़ा आप वो यूज़ करें जिससे पानी बाहर आ जाए। ये देखिए, ये मैंने वेजिटेबल ले ली सारी की सारी, यहाँ डाल दी। ये देखिए आप, ये सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। अब जो ये सब्जियां हैं इसको भी मैं निचोड़ूंगा। ये देखिए इसमें पानी, ये देखिए बाहर आ रहा है, इसको निचोड़ूंगा मैं। और पानी निचोड़ने के बाद हमारे पास ये सब्जियां रह गई। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि विनेगर डालने का मतलब क्या है, विनेगर से सब्जियों में क्रंच बना रहता है। अब इसको हम दोबारा से बॉल में डाल देंगे। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं, इसमें हम अब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर का पाउडर है जो हमने ऐड किया, आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फ्लेवर ब्लैक पेपर में है वाइट में इतना नहीं है। अब ये देखिए मेरे पास मेयोनेज़ है, ये मेयोनेज़ के मैं 2 चम्मच और ये 3 चम्मच, ये बाकी जो मैंने मेयोनेज़ रखा है ये मैं ब्रेड पे लगाऊंगा। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड ले लिए, अब इस ब्रेड पे मैं मेयोनेज़ और मक्खन बटर इन दोनों को मिला के सेपरेट करूँगा। ये देखिए मेरे पास मेयोनेज़ जो स्टम बची थी, और ये मेरे पास मक्खन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पर ठंडा ना हो, नहीं तो नहीं होगा। इसको मैंने इस तरह निकाल के इस तरह से मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब दोनों को मैं मिला लूँगा। हमारी म्यूनस और बटर दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सी मैंने इसमें चिली सॉल्ट डाली है और थोड़ी टमाटो केचप। एक तरह के हम कॉकटेल सॉस बनाने जा रहे हैं। कॉकटेल सॉस में आपकी टबेस्को सॉस भी जाती है, बट अभी मैं टबेस्को नहीं डाल रहा, मैं इसको हल्का सा टच दे रहा हूँ। अभी सब ब्रेड स्लाइस पे मैं इसको सेपरेट कर दूँगा। आप चाहे तो इसमें जंबो ब्रेड भी ले सकते हैं, जो सैंडविच ब्रेड होती है। इसको इस तरह से हम पूरा अभी सैंडविच पीसों के ऊपर हम कोल्सलो सैलेड को रखेंगे। ये देखिए इसको हम दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। सारी ब्रेडों को हम दूसरी ब्रेड के साथ कवर कर देंगे। हमने ब्रेडें कवर कर दी। ग्रिल सैंडविच की साइड नहीं कटती, इसलिए हम इसकी साइड नहीं काटेंगे।
अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस को लेकर थोड़ा सा हम मेयोनेज़ लगाएंगे टॉप पे हल्का सा, और इसको फिर हम ऐसे रख लेंगे, और उसके बाद हम इसको फिर टॉप पे लगाएंगे कि दोनों साइड से अच्छी ग्रिल हो जाए। हम सैंडविच को ग्रिल करने वाले हैं, इसको ग्रिलर पे रख दिया है, अभी ग्रिल होंगी उसके बाद मैं इसको ग्रिलर से निकाल लूँगा। हमारे ग्रिल सैंडविच रेडी हो गए हैं, अब इनको 1x2 काटेंगे। अब इसको हम प्लेट पर रखेंगे, हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं। इसके साथ में देंगे हम कोल्सलो सैलेड, इसके लिए हमने पत्ता ले लिया है, ये मैंने कैबेज का पत्ता काटा है, और इसके ऊपर डालूंगा मैं वेजिटेबल कोल्सलो सैलेड। और साथ में दूंगा मैं वेफर्स, और इस तरह ये हमारे सैंडविच रेडी हो गए। आप चाहे तो फ्रेंच फ्राई भी साथ में दे सकते हैं। हमारे वेजिटेबल कोल्सलो सैंडविच रेडी हैं, इसको मैंने कोल्सलो सैलेड के साथ और वेफर्स के साथ दिया है। आप चाहो तो फ्रेंच फ्राई के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसको आप स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको सर्व किया जा सकता है। धन्यवाद।